फ़ायदा हुआ था पूल टेबल्स का, और जगह जगह पर हर नुक्कड़ पर एक पूल टेबल खोल रहा था, गैराजेज वो बीइंग कन्वर्टेड इनटू पूल पार्लर्स। मगर उससे फ़ायदा भी हुआ, एक नुकसान भी हुआ कि थोड़ा सा यूथ जो है, जो नॉन सीरियस प्लेयर्स थे, वो थोड़ा बह गए, थोड़ा भटक गए वो पूल पार्लर के कल्चर में। तो होना ये चाहिए था कि थोड़े स्ट्रिक्टर रूल्स नॉर्म्स अगर एनफोर्स किए जाते। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे पता चला है यहाँ पर एक क्लब है जो बैटिंग अलाउ नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि पूल पार्लर में आप बैटिंग नहीं अलाउ करते हो, बिकॉज वो पार्लर, उसके पास स्नूकर टेबल्स है, इंटरनेशनल स्नूकर टेबल्स है, और वो सीरियस प्लेयर्स को एनकरेज करना चाहता है। तो ये रूल्स अगर एनफोर्स किए जाते, अगर इन पे स्ट्रिक्ट वॉच रखा जाता, तो आई थिंक हम लोग पूल पार्लर से भी काफ़ी टैलेंट उठा सकते थे। पूल से ग्रेजुएट होते हैं स्नूकर टेबल पर, बिकॉज पूल एक थोड़ा इजी लगने लगता है, तो स्नूकर जो है थोड़ा चैलेंजिंग है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वी कुड हैव ग्रेजुएटेड इनटू स्नूकर एंड बिलियर्ड्स। तो हट गया है एशियन गेम्स से, और ओलंपिक में तो चलो आया नहीं अभी तक, बट एशियन गेम में जो था वहाँ से हट गया। ये डेफिनेटली एक सेटबैक है स्पोर्ट के लिए, बिकॉज लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते थे कि कब एशियन गेम्स आएगी, कब मैं ट्रैवल करूँगा, कब मैं कम्पीट करूँगा, कब मैं इंडिया के लिए मेडल लाऊँगा। ये एक अच्छा सा इंसेंटिव था। एशियन गेम्स से हट जाना और ओलंपिक में नहीं आना, डेफिनेटली ये फेडरेशंस और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एशियन फेडरेशंस का, ये इनका रोल है। इन्होंने क्या किया है या इनका क्या प्लान है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूँ। बट ये मैं कह सकता हूँ कि अगर इन लोगों को हम जैसे प्लेयर की सपोर्ट की ज़रूरत है, वी आर ऑलवेज देयर, और हम पीछे नहीं हटेंगे। वी विल डेफिनेटली फाइट फॉर इट कि भाई जो चीज़ चल रही थी, जो इंटरनेशनल रिकग्निशन हमको था, वो अब क्यों नहीं है। फिर से एशियन गेम में आना चाहिए, ओलंपिक गेम में चलो डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट से स्टार्ट किया जाए, बट स्टार्ट तो करो, यू सी कि क्या हम लोग कर सकते हैं। और डेफिनेटली इंडिया के मेडल चांसेस वेरी वेरी हाई है, बिलियर्ड में हो या स्नूकर में हो। ठीक है, पूल में अभी तक हम 8 बॉल या 9 बॉल पूल में अभी तक हम लोग इतना डिवेलप नहीं है, बट स्नूकर और बिलियर्ड में वी आर वेरी मच इन कंटेंशन फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। फ़ायदा हुआ था पूल टेबल्स का, और जगह जगह पर हर नुक्कड़ पर एक पूल टेबल खोल रहा था, गैराजेज वो बीइंग कन्वर्टेड इनटू पूल पार्लर्स। मगर उससे फ़ायदा भी हुआ, एक नुकसान भी हुआ कि थोड़ा सा यूथ जो है, जो नॉन सीरियस प्लेयर्स थे, वो थोड़ा बह गए, थोड़ा भटक गए वो पूल पार्लर के कल्चर में। तो होना ये चाहिए था कि थोड़े स्ट्रिक्टर रूल्स नॉर्म्स अगर एनफोर्स किए जाते। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे पता चला है यहाँ पर एक क्लब है जो बैटिंग अलाउ नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि पूल पार्लर में आप बैटिंग नहीं अलाउ करते हो, बिकॉज वो पार्लर, उसके पास स्नूकर टेबल्स है, इंटरनेशनल स्नूकर टेबल्स है, और वो सीरियस प्लेयर्स को एनकरेज करना चाहता है। तो ये रूल्स अगर एनफोर्स किए जाते, अगर इन पे स्ट्रिक्ट वॉच रखा जाता, तो आई थिंक हम लोग पूल पार्लर से भी काफ़ी टैलेंट उठा सकते थे। पूल से ग्रेजुएट होते हैं स्नूकर टेबल पर, बिकॉज पूल एक थोड़ा इजी लगने लगता है, तो स्नूकर जो है थोड़ा चैलेंजिंग है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वी कुड हैव ग्रेजुएटेड इनटू स्नूकर एंड बिलियर्ड्स। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।